सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर शून्य राम गोपाल यादव ने आज जसराना तहसील के गांव नसुपुर सन्नति में चौधरी बलराम सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण किया और कहा कि लोगों के पास पैसा तो है लेकिन कोई पहचान नहीं है। लेकिन बलराम सिंह यादव के बेटों ने जो ये मूर्ति लगाकर काम किया है वह सराहनीय काम है। जीना उसी का सार्थक होता है जिसके जाने के बाद लोग उसे याद करें। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भाजपा का नाम लिए बिना ही हमला बोला, कहा कि जिन लोगों के हाथों में आज सत्ता की चाबी है वह देश को निजी हाथों में बेच रहे हैं। रेलवे, BSNL, हवाई अड्डा, यहाँ तक कई बैंकों को भी निजी हाथों में देने की तैयारी है। लोगों का खुद का पैसा है लेकिन बैंक से निकाल नहीं सकते। तरह तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स स्टेडियम था आज उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। देश के हवाई अड्डे और विदेशों में 300 लोन है उन्हें बेचा जा रहा है। पहले बैंकों को एक दूसरे में मर्ज कर रहे थे लेकिन अब समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि अब बैंक के बेची जा रही है। देश का गरीब ऐसे लोगों का नाम याद नहीं रखेगा। बयान तो शून्य राम गोपाल यादव आरक्षण पे रोक लगाई है उसमें किस तरह से समाजवादी पार्टी अब देखती है? ऐसा है जब कोई कोर्ट में जाता है और रिट करता है तो न्यायालय अगर इस योग्य समझता है कि वो याचिका विचारणी है तो सरकार से जब एक तरफा फैसला कर नहीं सकता क्योंकि उसने सिर्फ ये कहा है कोर्ट ने कि जब तक न्यायालय ये फैसला न कर दे कि आरक्षण ठीक है या आरक्षण में ये संशोधन होना चाहिए या परिसीमन में ऐसा होना चाहिए तब तक गवर्नमेंट आगे कोई कदम नहीं उठाएगी। और आपने देखा कि कल रिट हुई, एक दिन का टाइम दिया कोर्ट ने, बंदे तारीख को दूसरी तारीख। इससे लगता ये है कि गवर्नमेंट का जो जवाब आज हो जाएगा कल दाखिल हो जाएगा 15 को सोमवार को और 17 से पहले इसको डिस्पोज ऑफ कर ही देगा कोर्ट। मुझे नहीं लगता कि कोई परिवर्तन सर विचारधारा में है और उनकी में है। जो कहते हैं उनकी तो मानसिकता गंदी है। किसी को जेड प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई वो सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स है, वो समाजवादी पार्टी की फोर्स नहीं है। उसको जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके हिसाब से काम करें। मुझे बाई प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई थी, मैंने अपनी वापस कर दी CIS। अगर मैं अपने घर से सड़क पार करके अकेला खान मार्केट में चला जाऊं, तो DIG की चिट्ठी चली आती थी कि आप कैसे चले गए बिना सिक्योरिटी लिए हुए। इसमें कोई अखिलेश कुछ कर सकते हैं ना समाजवादी पार्टी।